बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमर साजिद। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 3 इन दिस वीडियो। लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ, एक पहाड़ी है जिसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है, यानी कि टॉप जो है क्लिफ की वो कितनी हाई है, 80 मीटर। यहाँ पे खड़े होके हम किसको देख रहे हैं, बोट को। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 मीटर। हो फार इज़ द बोट फ्राम क्लिफ, हमने बोट और क्लिफ का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम इसको स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और साथ साथ डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई, कि हम कहाँ पर खड़े हैं, एक पहाड़ी है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, एक पहाड़ी आ गई, एक माउंटेन आ गया, ठीक है, हमने बना दिया। इसके टॉप, इसकी जो टॉप है आपके पास वो कितनी हाई है, उसने बता दिया 80 मीटर हाई, यानी कि 80 मीटर की इसकी हाइट है। यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर, यहाँ पर जहरी बात है नीचे पानी होगा और पानी के ऊपर क्या है, एक बोट है। तो लिखा हुआ है शुरू में एट द टॉप ऑफ क्लिफ 80 मीटर हाई, एक पहाड़ी है उसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर। यहाँ पर 8 लिखा गया, 80 मीटर हाइट है। इस पर खड़े होकर हम किसको देख रहे हैं, एक कश्ती को देख रहे हैं। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या मतलब है, ये यहां पर आपका आई लेवल बन जाएगा। यहां से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं कश्ती को, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा और ये एंगल है 12 डिग्री। हो फार इज द बोट फ्रॉम क्लिफ, पहाड़ी से बोट का डिस्टेंस कितना है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। अगर मैं ये वाला 80 यहाँ पर ले आऊँ तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बन जाती है आपके पास, ठीक है। ये जो हाइट है ये कितनी है क्लिफ की, 80 मीटर है। डिस्टेंस जो सा है एक्स, ये हमने फाइंड करना है, क्योंकि ये एंगल 12 है तो यहाँ पर भी एंगल क्या बनेगा, 12 डिग्री। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, 12 डिग्री। तो ये जो डायग्राम थी, पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी, वहाँ से ये हमें डाटा मिला कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 12 है। उसको हमने रीड करके यहाँ से ये राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। जब राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बन जाएगी तो आपने लिख देना है ए बी सी, कॉर्नर पॉइंट्स लिख सकते हैं ए बी और सी। तो हम ट्राइंगल कौन सी सॉल्व कर रहे हैं, ए बी और सी ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि आप देख रहे हैं आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस आपने फाइंड करनी है, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आप सिंपल सा फार्मूला, टेन 12 थ्रू प्रॉपर परपेंडिकुलर 80 है और जो बेस है वो क्या है, x है। यहाँ से आप x क्या बन जाएगा आपके पास, 80 बाय 10 12। इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे और आंसर निकाल लेंगे, कैलकुलेटर पर लिखेंगे और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेटर मेरे पास है, ठीक है। अब कैलकुलेटर पर लिखने से पहले एक चीज़ आप देख लें, मैं लिखता हूँ आपको बताता हूँ गलती क्या हो सकते हैं बच्चे। 80 बाय 10 12 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया, एरर आ गया, तुमने कहा जी गलती है। तो एक तो यहाँ पर ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है, दूसरा आप देखेंगे कि ये आंसर आ रहा है 376.4। क्या ये वैल्यू अहम है, तो हमने देखा हमारे पास 80 लिखा हुआ है, 80 के बाद डेसिमल में कुछ नहीं बताया गया, तो हमने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है, डेसिमल के बाद कुछ नहीं चाहिए। तो आप शिफ्ट मैन्यू नंबर फॉर्मेट यानी कि 3, उसके बाद FIX लिखा आता है फिक्स, आपने 0 प्रेस करना है। 0 प्रेस करने से आपके पास डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज नहीं आएंगी, कैलकुलेटर राउंड ऑफ करके देगा, तो ये वैल्यू आती है 376। तो आपने लिख दिया 376। अब साथ यूनिट क्या है, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर मीटर में था तो ये भी क्या आ जाएगा, मीटर में। तो ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब जो एक्स था वो डिस्टेंस था बिटवीन बोट एंड क्लिफ, तो हमने यही फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ, क्योंकि फार का मतलब होता है कितना दूर है, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ, पहाड़ी और कश्ती के दरमियान का फासला कितना है, 376 मीटर है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बनी,
टैन का जस्ट फार्मूला लगा और स्टेप बाय स्टेप आपके पास सॉल्व होकर आ गया। तो इजी सा क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो देखने के लिए एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमर साजिद लिख दें, वो वीडियो आपको मिल जाएगी।